गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके साथ एग करी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने एग लिया है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी में डाल के इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमारा पैन गरम हो रहा है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालते हैं। और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम अपने अंडे को इसमें फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम अपने अंडे को इसमें और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने इस चॉपर में एक बड़ा प्याज, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, तीनों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। इस मिक्सी जार में मैंने एक टोमेटो को लेकर ग्राइंड कर लिया है, एक बड़ा टमाटर लेकर के उसमें उसका पेस्ट बना लिया है। इधर प्याज, लहसुन और अदरक तीनों को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। तड़के के लिए मैंने जीरा, बेलीफ, तेजपत्ता और एक रेड चिली लिया है। सूखे मसाले में मैं थोड़ा सा हल्दी, टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मीट मसाला, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो, सॉल्ट भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं इन सबका एक पेस्ट बना लूंगी। तो हमारी ग्रेवी के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी है। इधर तड़का रेडी है, हमने इधर टोमेटो, अनियन और ये मसाला, अब हमें सिर्फ कुक करना है। तो चलिए, जो हमारे पास तेल बचा हुआ है, ऑयल, उसमें हम ये अपना तड़का डाल देंगे। तड़का हमारा अच्छे से पक चुका था, हम अब अपने इसमें जो हमारा अनियन वाला था मिक्सचर, उसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। हम जितना अच्छा इसे फ्राई करेंगे हमारे कड़ी का कलर उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, थोड़ा और फ्राई करेंगे। अब जो हमने ये मसालों का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जो मैंने मीट मसाला यूज किया है ये होममेड है, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर करूंगी। अब हम इसको कवर कर देते हैं और 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे कुक होने देंगे। उसके बाद जो हमने वो मिक्सी में टमाटर का पेस्ट बनाया था वो उसमें ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से ये कुक हो रहा है, अब हम इसमें अपना ये टमाटर वाला पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इसको ढक के एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमारा मसाला अब अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उसके हिसाब से, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद जो हमने अंडे फ्राई किए थे उसमें डालेंगे, और डालने के बाद 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे। ये देखिए अब अच्छे से बॉयल आ चुका है इसमें, अब मैं अपने एग करी, एग अंडे को इसमें डालूंगी और इसको कवर करके हम 10 से 12 मिनट कुक करेंगे। करी अब रेडी है, इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और कोरिएंडर लीव्स, और अपने कड़ी को फिनिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बहुत जल्द मैं आप सभी से मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, सेफ रहें, खुशहाल रहें। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।